आज की हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। कभी भी किसी चीज में चेंज होता है तो हम उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। एक छोटा सा डायग्राम, ये डायग्राम आपका बना हुआ है, इसको कंप्लीट करने के लिए मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल के तौर पे डायग्राम जो है वो बनाकर दिखाऊंगी। हमने जब लास्ट में की वीडियोस में पढ़ा था ADAS अप्रोच में, आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से था। ये AS थी, ये था हमारा AD और इक्विलिब्रियम हमारा स्टक होता था पॉइंट E पर, जहां पर हमारा AD और AS दोनों एक दूसरे के बराबर होता था। और अकॉर्डिंग टू कैंस मैंने आपको कहा था AD होता है हमारा C+I। C+I मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर हमारा क्या हो जाता था, इक्विलिब्रियम। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया है इसके अंदर वो ये आया है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर जो हमारी इकोनॉमी में अलग से हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका हमारे इक्विलिब्रियम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इक्विलिब्रियम शिफ्ट कैसे हो, कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये डायग्राम उसी से ही रिलेटेड है जो मैंने इसके अंदर बनाया हुआ है। सेम इसी ऊपर वाले डायग्राम की तरह इसमें OY एक्सिस पर AD और AS लिया हुआ है, नीचे Y GDP और इनकम ली हुई है। जो पहला हमारा जो कर्व जा रहा है, आप ये देख रहे हो जो AD कर्व है, जो ये AD कर्व है, C+I जो है, C+I जिसमें लिखा हुआ है, और जो नेक्स्ट हमारा कर्व बन रहा है वो AD1 है, जो न्यू कर्व है। सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर जो OY एक्सिस या OX एक्सिस इस तरीके से आपको कर्व बनाना है, और आपको AS का 45 डिग्री की लाइन जो है वो खींचनी है। देन उसके बाद जैसे हमारा ऊपर वाला डायग्राम है उस तरीके से आपको क्या करना है, AD। तो इक्विलिब्रियम जो हमारा इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती हमारी AD थी कितनी, आप ये देख रहे हो कि OE से जो है हमारी शुरू हो रही है, AD इज इक्वल टू C+I। बट अगर हम इकोनॉमी के अंदर और इन्वेस्टमेंट करते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करते हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका हमारी इनकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको ये समझाती हूं। जैसे कि आपकी इकोनॉमी में आप पहले 5 करोड़ की आपकी AD थी और इनकम थी आपकी 10 करोड़ की, तो आपने क्या किया कि आपने सोचा कि चलो कुछ और इन्वेस्टमेंट की जाए, तो आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दी। हमारी जो पहले जो AD थी, इन्वेस्टमेंट थी 5 करोड़ की और AD थी 10 करोड़ की, अब हमने क्या किया, हमने 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है और इंक्रीज कर दी, जिसकी वजह से AD जो है हमारी और इंक्रीज हो जाएगी। बट उसका हमारी इनकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे आपकी पहले जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी और इनकम कितनी थी, फिर आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट में चेंज किया, जिसकी वजह से AD भी बढ़ गई। बट हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से इनकम में कितना चेंज हुआ है, हम इस इक्विलिब्रियम के अंदर वो देखना चाहते हैं, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम और इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है और इन्वेस्टमेंट भी चेंज हुई है, जिसकी वजह से हमारी इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। बड़ा सिंपल सा ये डायग्राम है। हमारी जो AD है वो OE से बढ़कर OF हो गई और इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ गई, AD जो है हमारी बढ़ गई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो पहले थी हमने और उसके अलावा और इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी वजह से हमारी जो इनकम है वो भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। जैसे कि आप ये देखो, पहले हमारी जब AD OE थी तो हमारी इनकम OJ थी, आप देख रहे हो, जब हमारी AD जो है OE थी तो इनकम हमारी कितनी थी, OJ थी। अब हमारी AD जो है OE से बढ़कर OF हो गई है, तो हमारी इनकम जो है OJ से बढ़कर JK हो गई है। अगर मैं बात करूं तो ये जो लाइन है हमारी, ये है चेंज इन AD में चेंज हुआ है, जिसको हम चेंज इन आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि AD में चेंज हुआ ही इन्वेस्टमेंट की वजह से है, इन्वेस्टमेंट को हमने चेंज किया है। और चेंज इन वाई है हमारा JK। आप ये देख रहे हो जो चेंज इन आई है वो तो है कम, और चेंज इन वाई जो है वो है ज्यादा। तो चेंज इन AD लिख सकते हैं हम, या हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन आई भी हम लिख सकते हैं। चेंज इन आई है हमारा EF और चेंज इन वाई है हमारा JK।
जो कि जे के जो है हमारा वो हमारा ई एफ से ज्यादा है। इसका बड़ा सिंपल सा ये है कि मल्टीपल इफेक्ट पड़ रहा है। मल्टीपल इफेक्ट का मतलब कि अगर इन्वेस्टमेंट में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी इनकम में ज्यादा चेंज हो रहा है। आपकी चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो थी ई एफ और आपकी चेंज इन इनकम हो गई जे के, और जे के आप ये देख रहे हो आपको लाइन से ही साफ नजर आ रहा है कि इनकम से जो इनकम है वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। सेम आपकी बुक में भी ये डायग्राम दे रखा है, जैसे कि आप ये देख रहे हो टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ उसके अंदर शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इनकम इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कोस इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एडी। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एडी भी बढ़ेगी, क्योंकि एडी होती है हमारी सी प्लस आई, अकॉर्डिंगली एडी फंक्शन शिफ्ट अपवार्ड, जिसकी वजह से एडी है हमारा कर्व अपवार्ड को शिफ्ट हो जाएगा, जो कि आपका हुआ भी है। आप इसके अंदर देख रहे हैं ग्रीन लाइन है और ब्लू लाइन है। जो ग्रीन लाइन है वो इनिशियल एडी है सी प्लस आई, और जो ब्लू लाइन है जब एडी में चेंज हो जाता है एडी हमारी बढ़ जाती है तो एडी कर्व जो है वो शिफ्ट होकर किस पे चला जाता है एडी वन पे। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई, और जिसकी वजह से हमारी इनकम जो है ओजे से बढ़कर जे के हो जाती है। तो कह रहा है कि इस पूरे वाली ऊपर वाली दो लाइन में वो आपको ये बताना चाह रहा है कि वो जैसे फिगर सेवन का जैसे उसने एग्जांपल देके कह रखा है कि एडी में चेंज हुआ है जिसकी वजह से इनकम में भी चेंज हुआ है, और एडी में चेंज किसकी वजह से हुआ है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है। आप एडी को भूल जाओ, केवल आपको इस डायग्राम में ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ है और इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में कितना चेंज हुआ है, और जिस इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से जो एडी कर्व है वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया है, एडी से एडी वन पे चला गया है। अब जैसे इसमें वही चीज दे रखी है जो मैंने आपको बताई है, ओजे इज इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी। कह रहा है जो ओजे है हमारा वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी था, स्टार्टिंग का इनिशियल इनकम थी। ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अब हमने और इन्वेस्टमेंट कर दी, द एडी फंक्शन शिफ्ट अपवर्ड, जिसकी वजह से जो एडी कर्व है हमारा वो ऊपर की ओर चला गया। आप ये देख रही है कि ऊपर की ओर चला गया है। इट इज नाउ इंडिकेटेड सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई कोस इंक्रीज इन जीडीपी फ्रॉम ओजे टू ओके। कह रहा है कि जिसकी वजह से हमारी जीडीपी जो है वो ओजे से बढ़कर ओ के हो गई। नीचे वाले पूरे पैराग्राफ के अंदर वही चीज ही दे रखी है आपको कि इन्वेस्टमेंट में चेंज हुई है जिसकी वजह से एडी कर्व शिफ्ट होकर ऊपर चला गया है, और इनकम में इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में भी चेंज हुआ है। कितना हुआ है वो भी आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है ई एफ तो इनकम में चेंज हुआ है जे के, जो कि जो क्या है चेंज इन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। तो मल्टीपल इम्पैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है हमारे पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का। अगर हमने इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाई है तो इनकम मैनी टाइम्स मोर देन जो है वो क्या हो गई है इंक्रीज हो गई है। तो इसकी जो डिटेल स्टडी है वो हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाले टॉपिक में आपको समझाएंगे कि मल्टीप्लायर क्या होता है। उसी तरीके से सिर्फ आपको ये बताना चाहा है मैंने इस डायग्राम के थ्रू कि इनकम इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में क्या चेंज हुआ है। ये डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन है। जो नेक्स्ट मैं आपको मल्टीप्लायर बताऊंगी वो ये लगा लो कि न्यूमेरिकली हम एक्सप्रेस करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को। ये डायग्रामेटिकली जो है इक्विलिब्रियम पर चेंज इन इन्वेस्टमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये वो चीज है।